Hello everyone, I'm Dr. Hrithis Rajput, advisor and counselor and assistant professor of food technology. Okay, so आज मैं आप लोगों को food tech के बारे में information देना चाहती हूँ कि food tech है क्या और जो students after 12th means confused हैं कि उनको क्या करना चाहिए और कौन सी फील्ड में जाना चाहिए इफ दे आर इंटरेस्टेड इन फूड टेक्नोलॉजी सो दिस वीडियो फॉर दैट स्टूडेंट्स दैट आर कंफ्यूज्ड कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और इफ दे वांट टू टेक एडमिशन इन फूड टेक्नोलॉजी तो क्या है फूड टेक्नोलॉजी राइट सो फूड टेक्नोलॉजी बेसिक होम साइंस नहीं है ये एक टेक्निक है मीन्स साइंस है फूड टेक्नोलॉजी और इसमें डिफरेंट फील्ड्स होती हैं लाइक बीएससी फूड टेक्नोलॉजी 3 ईयर बीएससी फूड टेक्नोलॉजी 4 ईयर एंड यस बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हो और इसमें एलिजिबिलिटी एग्रीकल्चर स्टूडेंट कर सकता है जिसने 12th में एग्रीकल्चर लिया है एंड यस साइंस स्टूडेंट और मैथमेटिक्स स्टूडेंट इंजीनियर के स्टूडेंट्स भी कर सकता है और बीटेक फूड टेक में भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं साइंस के और इंजीनियर के और एग्रीकल्चर के ठीक है क्या डिफरेंस है बीएससी और बीटेक में बीएससी जो है बैचलर ऑफ साइंस होता है इन फूड टेक तो इसमें फूड टेक का बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ठीक है जैसे कि साइंस रिलेटेड मीन्स टेक्नोलॉजी बताई जाएंगी जो कि डिफरेंट कौन सी टेक्निक्स लगती हैं क्या इसमें मेथोडोलॉजी यूज की गई है ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में बीएससी 3 ईयर एंड 4 ईयर में पढ़ाया जाता है लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक में थोड़ा इंजीनियर पार्ट पढ़ाया जाता है मीन्स मशीनरी जो मशीनरी उसमें यूज की गई है वो कैसे बनती है उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है बीएससी में एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग का मीन्स सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट होते हैं लेकिन बीटेक में ये 4 ईयर का कोर्स है बीटेक इंजीनियरिंग पार्ट आ जाता है इसमें कि मशीनरी कैसे हम बनती हैं उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं तो ये बेसिक डिफरेंस है बीएससी और एमएससी में एंड यस सेकंड पॉइंट इज कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो कौन कौन सी इसकी क्या एंट्रेंस होते हैं कौन कौन से एंट्रेंस होते हैं और आप कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जो कि एडमिशन देती हैं कैसे इनके एडमिशन होते हैं ठीक है So yes, I'm going to explain all these points in this video. Okay? Yes, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे एडमिशन लेते हैं और कौन कौन सी एजेंसीज के थ्रू मीन्स किस तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं मीन्स डायरेक्ट एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू विद स्कॉलरशिप राइट सो यहाँ पे डिफरेंट वेज हैं बी एस सी और बी टेक में एडमिशन लेने के लिए बेसिक जो फूड टेक है ये पार्ट है एग्रीकल्चर का आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी राइट सो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट डिग्री एंड यस फूड टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिग्री है और फूड टेक में एडमिशन लेने के लिए एग्रीकल्चर के थ्रू भी फॉर्म निकलते हैं जिससे आप एंट्रेंस के थ्रू ICR स्टूडेंट के नाम से ICR की सीट्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो ठीक है और सेकंड पॉइंट इज कि हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दैट इज SAU स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी अपना खुद का एंट्रेंस निकालती है उसके थ्रू वो सीट्स भरती हैं बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एंट्रेंस निकलता है उसमें कुछ हर स्टेट गवर्नमेंट की जो हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल की 2 सीट्स रिजर्व रहती हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एंट्रेंस निकालता है और उसमें जब आप पास आउट होते हो तो रैंक के बेस पे आप अपनी चॉइस से किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेडिंग और काउंसलिंग उसके लिए आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है ठीक है अभी राइट नाउ भी ICR का एंट्रेंस फॉर्म निकला हुआ है आप वो डाल सकते हैं फूड टेक और अदर अगर यूजी और पीजी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए साथ में एक एग्जाम आता है
वो आप डाल सकते हैं, वो फिल कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, जिसको बोलते हैं CAU एंड SAU, CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड SAU स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बहुत सारी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जो 100% सेंट्रल के थ्रू फिल की जाती है, बट कुछ जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी 5 to 10 सीट्स BSc के लिए और BTech के लिए और MSc के लिए 2 सीट्स रिजर्व रहती हैं फॉर ICAR स्टूडेंट्स के लिए। तो आप उसके थ्रू ICAR के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इन स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में विद योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ICAR डिफरेंट स्कॉलरशिप भी निकालता है। अगर आप बेस्ट मतलब आपकी रैंक टॉप पे आती है तो उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है ICAR की तरफ से, और एक इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है, और डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर कास्ट और इस चीजों से भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। और स्कॉलरशिप का एक पूरा एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेस पे। और अगर आपको ये वीडियो वीडियो के थ्रू आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके पास कुछ क्वेश्चन है, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं और टेक्स्ट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। और फर्दर कौन कौन से आप स्कॉलरशिप ले सकते हो और उसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और इसके बाद इसके स्कोप क्या है, मीन्स इस कोर्स के आउटकम क्या है, इससे हमें क्या फायदा होंगे, या हम कौन कौन सी जगह पे प्लेस हो सकते हैं यूजी करके, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। और यूजी के बाद हम क्या हायर एजुकेशन कर सकते हैं, मींस मास्टर्स कैसे कर सकते हैं और PhD कैसे कर सकते हैं, वो एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।